वहीं छेरछेरा और माघी पुन्नी के अवसर पर दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान एक सवाल के जवाब आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के निर्णय से समाज में असंतोष है कि विधानसभा से पारित बिल को वो एक महीने से ज्यादा वक्त से लटका कर रखे हैं, वो राजनीति कर रही है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ शांतिपूर्ण प्रदेश है, उसमें जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और उसको वो प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं, जो बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर धर्मांतरण के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यपाल जी के इस निर्णय से पूरे समाज में असंतोष है कि विधानसभा से पारित बिल को अभी एक महीने से ऊपर हो गया है, उसको लटकाए रखी है, वो राजनीति कर रही हैं और बेहद दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ शांति की ओर लौटा है, बस्तर शांति की ओर लौटा है, अब उसमें ये जहर घोलने काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उसको वो प्रश्रय दे रही हैं, जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये यदि कहें तो न्यायालय के आदेश पर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, और उसका ट्रस्ट बनाया गया, उसके संगठन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, उससे बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही। यदि राम वनगमन पर्यटन पर पद मनाने की बात है, हमको कोर्ट ने आदेश नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम बना रहे हैं बहुत भव्य मूर्ति सूर्य नारायण में, 35 फीट ऊंचा राम मूर्ति स्थापना मंदिर के परिसर के सामने, और 51 फीट के यहाँ है चंदखुरी में, और चंदखुरी में 51 फीट के राम के मंदिर जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है वहाँ हम लोगों ने स्थापित किया है, और लगातार ये काम हम बढ़ा रहे हैं। हम वोट की राजनीति नहीं करते, ये वोट के लिए काम कर रहे हैं हम, तो हमारी आस्था है, हमारे जो छत्तीसगढ़ में भगवान राम को पूजने की जो परंपरा है, वनवासी राम के रूप में, सबरी के राम के रूप में, कौशल्या माता के रूप में, पुत्र के रूप में, कौशल्या के राम, सबरी के राम, वनवासी राम, और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भांचा राम, हम इस रूप में उनसे स्मरण करते हैं, हम सबके आस्था का केंद्र है। देखिए